साहब मुल्जमों ने मेरे साथ शिकायत की कि साहब एक दो जो वहाँ पे खाना है वो हमको ठीक ढंग से दिया नहीं गया कल रात को जाती, तो सुबह से भी इन्होंने खाना हमको दिया नहीं आज सुबह, तो हमको सीधा कोर्ट में ले आए और ये कह के भेजा कि लंच भी हमारे पास नहीं है, ना हमारे पास कोई अरेंजमेंट है लंच का। हम जैसे जेल में करते हैं सबके लिए, हम सुबह चाय देते हैं और शाम को खाना देते हैं, लंच शंच हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है, ना हमें कोई ऐसा ऑर्डर है। तो अभी हमने फिर जज साहब के नोटिस में सुबह लाया आते ही कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट का देश है, उसमें आपके रूल्स या नॉट रूल्स का मतलब नहीं है, क्योंकि यही एक्सेप्शनल केस है पूरे कंट्री के अंदर कि जो सुबह चलता है और शाम तक 6 बजे तक चलता है। और कभी कभी तो जब मुल्ज़िम यहाँ से जाते हैं या कठुआ पहले जाते थे तो बहुत लेट हो जाते थे, तो सुबह से शाम तक हम खाना भी खाते हैं, हमें लंच ब्रेक भी होती है, जज साहब को भी लंच ब्रेक होती है, तो मुल्ज़िम के लिए हम इतने क्रूअल हो जाएंगे कि साहब उनको दिन को खाना नहीं देंगे, कहीं खड़े रहो या बैठे रहो तो नहीं चलेगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने देश में बड़ा क्लियर किया था कि मुल्ज़िमों का जो खाना है, विटनेसेस का जो खाना है, क्योंकि सारा दिन चलना, देवर काशियस, लेकिन इनको समझ नहीं आई है ना पंजाब सरकार को ना जम्मू कश्मीर सरकार को कि भाई उन्होंने क्या आपस में अरेंजमेंट किया है कि भाई उन्होंने पैसे पियर करने हैं, खर्चा अब दोनों ही कहते हैं ना पला झाड़ लिया दोनों ने। पंजाब वाले कहते हैं जी हम तो जो करेंगे सुबह नाश्ता देंगे चाय देंगे बस चले जाओ आप, तो बाद में शाम को जब आओगे तो डिनर मिलेगा, बाकी सारा दिन कोई अरेंजमेंट नहीं। लेकिन आज के लिए जज साहब ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को कहा था कि आज का लंच तो अरेंज करिए आप, तो कल से हम देखेंगे कि क्या रिपोर्ट आती है वहाँ से, क्योंकि मास्टर जी को ही उन्होंने ड्यूटी लगाई है, हमारे एडवोकेट भी तो इनकी ड्यूटी लगाई है कि आप जाइए आज ही गुरदासपुर और जाके डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट से बात करिए आप, और बात करके जो रिपोर्ट वो कहता है वो कोर्ट में सबमिट करिए आप, फिर उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन हो सकता है इस केस में कोर्ट की भी कोई थोड़ी बंदिश हो, क्योंकि ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की है, हो सकता है इस केस में हमें सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़े कि भाई हमें लंच दो। ये पहला केस मैं भी देख रहा हूँ कि लंच के लिए भी हमको लड़ना पड़ेगा, मुल्ज़िमों के लिए लंच दो। ये किसी को सरकार को समझ नहीं है इतनी कि भाई साहब ह्यूमन ग्राउंड पर भी जो सुबह से केस शाम तक चल रहा है, ये कोई जेल में थोड़ी बैठे हुए हैं, ये सुबह से शाम तक कोर्ट के अंदर है, तो कोर्ट के अंदर तो आपने लंच प्रोवाइड करना है, इसके लिए इंटरप्रिटेशन की कहां पर जरूरत है कि साहब ये इंटरप्रेट करिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है, लंच देना है कि नहीं देना है, कि साहब जेल मैनुअल्स पढ़िए आप कि साहब लंच देना है कि नहीं देना है। तो मैं इसको पर्सनली भी कंडेम करता हूं, ये बात इनह्यूमन है, क्रुएलिटी है टुवर्ड्स दी, ये फेयर ट्रायल पर भी कहीं जो है ना पिचुपती आवाज जाके साहब ये इनको क्रुएलिटी के साथ क्यों डील करना है, शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बींग्स। लेकिन कोर्ट की अपनी लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन कल कोर्ट क्या ऑर्डर पास करेगी या हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा ये कल हम फैसला करेंगे, क्योंकि आज हमने लिखित कुछ नहीं दिया है, सिर्फ जज साहब के नोटिस में लाई है और जज साहब ने इनको कहा है आप जाके रिपोर्ट सबमिट करिए कि वो क्या कहते हैं कि देना है लंच के नहीं देना है, फिर हम कल देखेंगे। तो इसके लिए एक इसका तो मैं समझता हूँ, तो दूसरी जज साहब के नोटिस में हमने ये बात लाई है कि जो कन्विक्ट्स होते हैं ना, जब सजा हो जाती है किसी को उम्र कैद हो जाती है, किसी को लंबी सजा 10 साल से ऊपर होती है, तो उनको क्या करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स में रखते हैं, तो इनको पहले ही आज से ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दिए गुरदासपुर, मतलब बार्क्स होती है जहाँ 20-25 लोग रहते हैं, कंफर्टेबली रखते हैं, रहने को तो कम से कम लेटने के लिए तो जगह दो, आपने 10x10 की जगह या 8x10 की जगह आपने 7 बंदे लटा दिए, 2 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखी है, 3 एकल के लिए, 4 उसी में टॉयलेट है, उसी में लेटना है, उसी में सबकी आप इस गर्मी के अंदर इनह्यूमन। अगर ये कोई रूल कहता है तो इट इज अ नॉनसेंस रूल, अगर कोई रूल ऐसा है इसका जेल मैनुअल का तो इसको बदल देना चाहिए, सरकार को भी चाहिए बदलना, और मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए ऐसे रूल को स्टक डाउन करना चाहिए, ये ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है कि साहब जहाँ पे अभी ट्रायल अंडर ट्रायल चल रहा है, ही इज अंडर ट्रायल प्रिजनर, तो आपने उसको पहले दिन ही बाथरूम में लटा दिया, वहीं बाथरूम में वही सब कुछ है, इनह्यूमन कंडीशन, तो फिर कहते हैं लंच भी नहीं देना, सारा दिन अंदर बंद रखना इसको, इज ऑल इनह्यूमन। अगर ऐसे को रूल शूल है इनको बदल देना चाहिए, 47 के पहले के होंगे, आज के इस युग में कम से कम इंसान को इंसान ट्रीट करिए, अभी ऑल अक्यूज आर इनोसेंट, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और लॉ भी ये कहता है दे आर इनोसेंट टिल गिल्टी प्रूव्ड। यहां तो ये लग रहा है कि हमें तो सजा हो गई है, वी आर और क्या सजा होनी है, सजा तो हम भुगत ही रहे हैं अंदर है जेल में, आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख लिया, और कौन सी नई सजा देनी है आपने, ये तो सिर्फ फिर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि साहब ये कोई दिखावा कर रहे हैं हम, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है भाई लंच दो सब कुछ दो, कंडीशन जितनी ह्यूमन कंडीशन से करो, अब इसके लिए इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमको बड़े बड़े इंटरप्रेटर चाहिए, अब इसके लिए यहाँ पे कमीशन भेजने पड़ेंगे, यहाँ से हमको वकीलों को भेजना पड़ेगा टीमें बनाकर, तो मैं समझता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट की कहीं ना कहीं ऑर्डर की वायलेशन है, उनके ऑर्डर की भी तोहीन है, अब ह्यूमन राइट्स की तोहीन तो कर ही रहे हो, अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस इंटरप्रिटेशन के अंदर कहीं ना कहीं आप उनकी तोहीन कर रहे हो। सही बात जो आज
क्योंकि मैं डिटेल नहीं शेयर कर सकता, आप सब मेरी मजबूरी समझते हैं कि साहब हम नहीं शेयर कर सकते एक दूसरे के साथ, मैं कर भी दूं तो आप छापना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन लिहाजा मेरी भी बंदिश है, मैं सिर्फ उतनी बात पब्लिक को इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए वो उतनी मैं आपको बता सकता हूं कि साहब ये दो बंदे कौन कौन से पुलिस के, अनंत दत्ता और तिलक राज, ये दोनों पुलिस के यहाँ पे एहलकार है, इन दोनों को विदाउट नोटिस टर्मिनेट कर दिया गया, विदाउट इंक्वायरी टर्मिनेट कर दी गई है बाय द डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू एंड कश्मीर। अब इसमें तीसरा शख्स था या और भी एहलकार थे बड़े बड़े एसपी, एडिशनल एसपी, एसएसपी, जो ये 10 तारीख से लेके 17 तारीख तक 7 दिन सब जिम्मेदार हैं, अगर ये दो बंदे जिम्मेदार हैं आपने सारी जिम्मेदारी जो है वो एक कांस्टेबल पर नीचे फेंक दी कि साहब तुमने इंक्वायरी करनी थी, तुमने ही सब कुछ करना था और तुमने किया कुछ नहीं, लिहाजा हम तुमको कॉन्स्पिरेसी में बंद करते हैं अंदर। ये सारा केस है, पूरा केस ही यही बुनियाद पर रखा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि उनमें जो एसएचओ है, एसएचओ जो जिनकी अगुवाई भी थी सुरेश जी की, ये अदर देन मैं विटनेस पूछता हूँ आपको, अगुवाई के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इस विटनेस का ये है कि ये विटनेस ही देने क्यों आया और उसको इसने ये बयानात जो है ये किस क्यों किस बिना पर दिए, इसके साथ ये सलूक किया गया कि साहब तुमको पहले हम सस्पेंड करते हैं, किसी और को सस्पेंशन तो की नहीं, बाकी तो स्टेट पे टर्मिनेशन आ गई कांस्टेबल की, इनकी आ गई क्योंकि ये इंचार्ज थे एसएचओ साहब, 10 तारीख से लेके 17 तारीख तक किया कुछ नहीं किया है, नेग्लिजेंस इनकी थी, इंचार्ज थाने के ये हैं, इनको क्या करते हैं सिर्फ सस्पेंड करते हैं और एक निसार अहमद साहब एडिशनल एसपी को कठुआ को इंक्वायरी अफसर बना देते हैं कि तुम इंक्वायरी करो, अभी तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई, क्यों नहीं आएगी भी नहीं, वो सीधे अब ये बयान देंगे ये सीधे बहाल हो जाएंगे, क्योंकि बयान का देने का पर्पज ये है कि तुम्हारे सिर पर हमने तलवार रखी है, अगर तुमने इनके दोनों के खिलाफ मुलजमों के खिलाफ जिम्मेदारी नहीं डाली कि साहब यही जिम्मेदार हैं दो बंदे जो नेग्लिजेंस इन्होंने की है सारी, अगर हमारे मुताबिक बयान कोर्ट में नहीं दोगे तो तुमको ये फेस करना पड़ेगा, ये सारी सिचुएशन हमारे मुताबिक डिफेंस के मुताबिक, क्योंकि डिफेंस की अपनी एक दलील होती है, प्रोसिक्यूशन की अपनी दलील है, हमारी ये दलील है कि साहब इसलिए आज तक ये इंक्वायरी कंप्लीट नहीं की, उसका इसके साथ केस के साथ कोई तलब नहीं, लेकिन वो इंक्वायरी क्यों नहीं कंप्लीट की गई, हम ये क्वेश्चन मार्क करते हैं डीजीपी साहब को, डीजीपी साहब इस बात की क्या जल्दी थी कि आपने नोटिस तक देना इन दोनों बंदों को मुनासिब नहीं समझा, पूरे हिंदुस्तान के नहीं पूरे वर्ल्ड का कानून है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर टू बी कंप्लाइड, किसी को भी आपने तबाह बर्बाद करना है, उसकी नौकरी लेनी है, उसको कम से कम 24 घंटे का नोटिस तो दीजिए, भाई तुमका तुम्हारा कहना क्या है, उसे एक्सप्लेनेशन भी नहीं लेनी, उसको चार्ज भी, और इसके खिलाफ दूसरी इंक्वायरी उन्होंने मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी का ऑर्डर किया, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की है उनको वहां पे जो एडिशनल डीसी साहब कठुआ के है आप करेंगे, उन्होंने ऑर्डर तो हो गया उनका, लेकिन ऑर्डर वो है वो मिसल के अंदर ही है, जो उस पर अमल दरामद होना था वो आज तक नहीं हुआ, अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये दो भाई जो हैं दोनों भाई पुलिस में हैं, तो उनको ये कहा गया कि दोनों की नौकरी हम ऐसे ही खा जाएंगे जैसे इन दोनों की खाई है, जाके चुपचाप करके जैसे ये बयान लिखे वैसे बस जाके दे दो, अब ये ड्रा धमका के जैसा ये सारा हमने कहा है ये हमारा कहना है, ये भी करेक्ट मे नॉट भी करेक्ट, लेकिन ये हमारी भी तो दलील है मुलजमों की तरफ से, क्योंकि हम स्पोक्स मैन है मुलजमों के, हमारा ये कहना है कि भाई ऐसा जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है इस केस में, डिस्क्रिमिनेशन क्यों की गई, मतलब वही चार्ज वही एलिगेशन इस पर लगाया गया कि भाई जिस वक्त तुमको सस्पेंड किया, तुमको चार्ज किया, तुम्हारी इंक्वायरी करें, वही चार्ज है डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, कोई और चार्ज नहीं है, इसी एफआईआर में है, तो तुमको हम रखते हैं भाई पासे तुम्हारी करते हैं इंक्वायरी, ये क्या जवाब है जी, एक ही कानून, एक ही स्टेट, एक ही रियासत, एक ही डीजीपी, तो बाकी तो इन दोनों को कहता नहीं तुम जेल में जाओ, तुम्हारे खिलाफ हम इसी केस में बांधेंगे, बांधना तो इनको चाहिए था जो हेड ऑफ थी, बांधना तो एडिशनल एसपी को चाहिए था जो इंचार्ज था, बांधना तो उसको चाहिए था जो डीएसपी था इस केस में, बांधना तो उसको चाहिए था।